गुड मॉर्निंग। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टिविटी के ऊपर, सीबीएसई 10th इलेक्ट्रिसिटी, और हम लोग टॉपिक करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टिविटी। ऑलराइट, तो सबसे पहले उसके फॉर्मूला को याद कर लेते। ये रो है रेजिस्टिविटी का सिंबल, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का, जहाँ पर आर जो है वो कौन है, हमारा रेजिस्टेंस है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल इज लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, ओके। समटाइम एरिया इज नॉट डायरेक्टली गिवन टू अस, तो ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। तो एरिया जो था ना, एरिया, ये एरिया को कैसे लिख दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया पाई आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द वायर। स्मॉल आर वायर का क्या होगा, रेडियस होगा, सिलेंड्रिकल होता है ना। अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे किसी भी वायर का, जब आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा बराबर, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होते हैं। तो इसके लिए जब हम उसका एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या आएगा उसका, पाई आर स्क्वायर। तो कई बार वायर का एरिया डायरेक्ट नहीं देते हमें, दे गिव अस द रेडियस ऑफ द वायर, तो वहाँ से एरिया कैसे फाइंड करना है, तो इट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार ये फॉर्मूला भी यूज करोगे आप, जहाँ पर कैपिटल आर कौन है चाहिए तो लिख लो, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, पाई का वैल्यू इट इज 3.14, आर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द वायर एंड एल इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द वायर। ऑल राइट, सो वी आर फर्स्ट सम हियर, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो उस वक्त पर क्वेश्चन रीड करते करते जितने भी गिवन डेटा मेंशन है वहाँ पर उसे कलेक्ट कर लो, जितने भी चीज़ें समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ता हूँ कि अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर है, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में दिया है कि जो वायर है उसका लेंथ है 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.7 × 10⁻⁶ m². सो दे हैव गिवन अस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया का वैल्यू गिवन है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻²⁰ ohms, और जो रेजिस्टेंस है वायर का वो है 2 × 10⁻²⁰ ohms। तो ये चीज़ भी गिवन है हमें, ये आर है तो ये लेंथ है, लेंथ मिल गया, ये आर मिल गया, और ये जो है ये हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। तो ये तीन चीज़ मिल गए। अब कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर, हमें कॉपर का रेजिस्टिविटी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये सब में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, न्यूमेरिकल करते कैसे हैं वो देख लो, तो जो भी डेटा गिवन है उसे लिख देते। तो गिवन में क्या क्या आ गया, लेंथ, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हाउ मच, 1.7 × 10⁻⁶ m², एंड देन यू हैव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट 2 × 10⁻²⁰ ohms, ये ohms का सिंबल है। तो ये मिल गया टू फाइंड, अब लिख लेंगे टू फाइंड, जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो फाइंड क्या करना है, रेजिस्टिविटी, रो इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला होगा हमारा। अब यहां पर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देयर फोर रो इज इक्वल टू, अब आर क्या है, तो आर का जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁻²⁰ एरिया का वैल्यू कितना है, 1.7 × 10⁻⁶, और लेंथ का वैल्यू कितना है 2, ये आ गया 2। ठीक है, ओके, यहां पर एक चीज और बता दूं मैं, लेंथ का यूनिट मीटर है, क्या दिया है, मीटर, और मीटर जो है वो एसआई यूनिट है,
एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर भी एरिया का ऐसा यूनिट है, और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स है, और ओम्स जो है वो भी ऐसा यूनिट है। तो ये जो सारे सिस्टम है ना वो ऐसा ही सिस्टम में दिया है, इसके लिए यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बताया नहीं उस चीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी याद रखो अगर सारे सिस्टम ऐसा है यूनिट में दिए हैं तो देर इज़ नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को गेट करेंगे, बराबर। इस ऐसे सम को बोलते हैं हम लोग वैल्यू पुट पुट आंसर गेट गेट। तो ये बाद में ये टू और ये टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। देयर फोर रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू, अब क्या बच रहा है, 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, करेक्ट। अब यहाँ पर ये पावर वाले है ना, तो थोड़ा हम लोगों को एक्सपोनेंट का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। वो क्या कहता है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n, ऐसा है तो क्या होगा, a m प्लस n, बराबर। तो बेस कौन है, 10 है, 10, तो एक बार ये 10 आ जाएगा। m कौन है आपका, माइनस 6, और n कौन है आपका, माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू माइनस 6 माइनस 2, 10 रेज टू माइनस 8। Therefore, rho equals to 1.7 into 10 raised to minus 8. और rho का यूनिट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ओम मीटर। rho का यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो फाइनल आंसर लिखेंगे, तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर therefore रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 into 10 raised to minus 8 ohm meter. ये आपका होगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर को आप डालना बॉक्स में, एंड दिस विल कंप्लीट योर सम। तो आगे समझ में।